हिंदू धर्म ग्रंथ रे भगवान श्रीकृष्ण जड़ित अनेक कथा विषय आपण माने जानिथिबे। कोहा जाय कि भगवान विष्णु कृष्ण अवतार रे ही सबुठारु अधिक लीला करिथिले। सेथिपई भगवान श्रीकृष्ण को लीलाधर नाम रे मध्य पूजा करा जायथाय। पिलादिने श्रीकृष्ण जेऊ भली भाबे लोकंक घरु लहुणी चोराई खाऊथिले सेहिपरी शास्त्र रे एहा वर्णित अछि कि श्रीकृष्ण जेतेबेले युवा हेले सेतेबेले नदी रे स्नान करुथुवा गोपी मानकर वस्त्र चोराई नेउथिले। अधिकांश लोके आज भी भावुछन्ति कि गोपी मानकु हैरान करिबा उद्देश्य रे श्रीकृष्ण तांका वस्त्र चोराउथिले, किंतु एहा सत्य नुहे। वास्तव रे से गोपी मानकु ज्ञान देबा पई एभली करुथिले जहार वर्णना हिंदू धर्मशास्त्र रे करा जायछे। नमस्कार, मु सीतांजलि भक्तिधारार आजर अध्याय आपणकु जणाइबे केउ उद्देश्य रे भगवान श्रीकृष्ण गोपी मानकर वस्त्र चोराउथिले। तेबे एही कहानी जानिबा पूर्वरु एटीआर मीडियार फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु। पद्म पुराणरे वर्णित कथा अनुसारे दिने जेतेबेले गोपीमाने स्नान करिबा पई वस्त्र खोली जल भितरे प्रवेश कले सेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण एक वृक्ष उपरे बसी समस्त दृश्य देखुथिले। किछि समय परे जेतेबेले गोपीमाने स्नानरे मग्न होइगले सेतेबेले भगवान कृष्ण गोपीमानंकर वस्त्र चोराइ नै गछरे लुचिगले। जेतेबेले गोपी माने स्नान सारी नदी कूळरे वस्त्र नथिबार देखिले सेमाने चिंतित होइगले। सेही समय रे गोपी मानंकर नजर पड़िला गछरे लुचिकी बसिथिबा भगवान श्रीकृष्णक उपरे। एहा परे गोपी माने श्रीकृष्णक कहिले, कान्हा, गोपी मानक स्नान देखिबा पई तुमको टिके भी लाज लागुनी। एहा परे श्रीकृष्ण कहिले, मते काहेकि लाज लागिव, तुम मानक लाज लागिबा कथा। जेउ भले भाबे तुमे माने निवस्त्र होई स्नान करुछो पुणि गोपी माने कहिले, कान्हा, आमर भूल होई जायछि, एबे कुह कि आम मानक वस्त्र चोरेइ नै केउठी रखिछ। एहा परे श्रीकृष्ण कहिले कि मु तुम वस्त्र चोराइनि, किंतु गोपी माने बारंबार अनुरोध करिबा हेतु कृष्ण कहिले, तुम वस्त्र ए वृक्षरे अछि, आउ पानीरु बाहरि नै जाओ। सेतेबेले गोपी माने निवस्त्र थिबा हेतु पानीरु बाहरिबा पई असमर्थता जताई कहिले, कान्हा, आमे समस्ते निवस्त्र अछु, पानीरु किभळे बाहरिबो। एहा परे श्रीकृष्ण कहिले, जेतेबेले तुमे माने नदी को स्नान पई जाइथिलो सेतेबेले भी तो निवस्त्र थिलो, एबे काहे कि नदीरु बाहर को बाहरिबा पई लाज लागुछि। सेतेबेले गोपी माने कहिले, कान्हा, जेतेबेले आमे नदी को स्नान पई आसीथिलु सेही समय रे एठारे केही भी नथिले। एहा शुणि श्रीकृष्ण कहिले, सेही समय रे एही स्थान रे केही नथिले बोली तुमे माने किभळी भाबिल। कारण प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक स्थान रे मु उपस्थित थाए, आउ हाँ, सेही समय रे मो व्यतीत आकाशरे उड़ुथिबा पक्षी माने मध्य तुमको निवस्त्र देखिछंती। सेहिपरि जलरे थिबा जीव माने मध्य तुमको निवस्त्र देखिछंती। एहा सहित नग्न रूपरे जल भितरकु प्रवेश करिबा द्वारा जल रूपे उपस्थित वरुण देवी भी तुमको निवस्त्र देखिछंती। एहा व्यतीत तुम पूर्वज माने भी तुम मानको ही नग्न रूपरे देखिछंती। कारण पुराणरे वर्णित अछि कि स्नान करिबा समयरे आम समस्तक पूर्वपुरुष आम निकटवर्ती थांती एवं वस्त्ररु बोहिथिबा जलकु ग्रहण करंती जेउथिरु सेमानकु तृप्ति मिलिथाय। सेथिपई निवस्त्र स्नान करिबा द्वारा
पूर्वपुरुष अतृप्त हो असंतोष होती जहाद्वारा व्यक्ति बल धन एवं सुख नष्ट से कदापि निवस्त्र स्नान करने उचित नुहे। यहाँ गोपी मान वस्त्र फेराई श्रीकृष्ण कहले जे पर्यंत मनुष्य शरीर लज्जा रूपी मायार बंधन में बांधि होता है से पर्यंत से मोक्ष प्राप्ति करन थाए सामान्य मायाबध रहा द्वारा मनुष्य वैकुंठ में प्रवेश करने असंभव यही कथा बुझाई मु तुम मानकर वस्त्र चोराई तबे दर्शक बंधु भक्ति धारार आज अध्याय आपण माने जानिले भगवान श्रीकृष्ण गोपी मानक वस्त्र चोराइबा कहानी विषय तबे एमिती पौराणिक कहानी विषय जानिबा पई आपण आम फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करंतु।